और मुरादाबाद में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। ब्यूटी एकेडमी की डायरेक्टर गिरफ्तार, धर्म परिवर्तन के आरोप में रक्षंदा खान को गिरफ्तार किया गया है। छात्राओं ने धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया था, मुस्लिमों से दोस्ती का दबाव बनाने का आरोप लगाया था, जिसे पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। मुरादाबाद से बड़ी खबर प्रमुखता के साथ न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया, जहां पर छात्राओं की तरफ से कहा गया कि जो संचालिका है रक्षंदा खान, वो फायदे बताती है धर्म परिवर्तन के। और साथ ही छात्राओं ने ये भी कहा कि रक्षंदा खुद कहती है कि वो पहले हिंदू थी, उसने बाद में मुस्लिम धर्म अपना लिया और मुस्लिम धर्म के कई फायदे हैं, और ब्रेन वॉश करके छात्राओं को धर्म परिवर्तन कराने के लिए वो कहा करती थी, जिसे पकड़ लिया गया है। मुस्लिम लड़कों से दोस्ती का दबाव बनाने का भी मामला है। मुरादाबाद में ब्यूटी एकेडमी की डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। विशाल हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। विशाल, रक्षंदा खान जो कि ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन का दबाव बनाती थी, उसे पकड़ लिया गया है, क्या कुछ उसके द्वारा कहा गया? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरह से मुरादाबाद में एक लैक्मी एकेडमी थी, वहां पे जो प्रशिक्षण करने वाली युवती युवक थे, उन्होंने ऐसे हम जिला प्रशासन से शिकायत की थी कि जो महिला है वो उनका ब्रेन वॉश कर रही है, उनको धर्म परिवर्तन के लिए, धर्मांतरण के लिए उनको क्या कहते हैं प्रेरित कर रही है। वही वो उसने जिस तरह से धर्म परिवर्तन किया था उसकी कहानी भी वो उसको बताती है। साथ ही जो युवतियां हैं उनको सिंदूर, मंगलसूत्र और जो टीका है युवकों को उनको लगाने पर भी रोक लगाती है। तो इस तरह की कुछ आरोप थे जिसको लेकर के उन्होंने शिकायत की थी, जिसके बाद बजरंग दल ने रक्षंदा जो एकेडमी की संचालिका है उसका पुतला भी फूंका था, प्रदर्शन किया था, उसी को लेकर के उसके खिलाफ, उसके पति के खिलाफ एक अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसको पुलिस ने आज जो आरोपी रक्षंदा है जो लैक्मी एकेडमी की संचालिका है उसको, उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और लखनऊ से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सचिवालय में एआरओ की नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी की गई है। आरोपी आलोक यादव के खिलाफ 42 लाख रुपए ठगने का मामला दर्ज हुआ। प्रयागराज के अजय मिश्रा ने दर्ज कराया है मामला। विधान भवन के गेट नंबर 5 के सामने लिए थे 42 लाख रुपए। रकम वापस मांगने पर लॉरेंस बिश्नोई और अयोध्या के राजपूत गैंग के नाम पर धमकाया। एफआईआर दर्ज कर जांच में फिलहाल हजरतगंज पुलिस जुट गई है। राजधानी में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने का मामला सामने आया है, जहां आलोक यादव नाम के शख्स पर 42 लाख रुपए लेकर सचिवालय में एआरओ के पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देने के आरोप लगे हैं। प्रयागराज के अजय मिश्रा ने मामला दर्ज कराया है, जिनका आरोप है कि आलोक यादव ने अजय कुमार को 8 महीने के अंदर ज्वाइनिंग लेटर दिलाने की बात कही थी, जिसके लिए उनसे पैसे भी लिए गए थे, जिसके बाद रकम मांगने पर उनको लॉरेंस बिश्नोई और अयोध्या के राजपूत गैंग के नाम पर धमकाया गया था। अब इस मामले की जांच में पुलिस भी जुट गई है। कैमरा पर्सन रवि के साथ नीतिक दीक्षित, न्यूज 18 लखनऊ। और खबर शाहजहांपुर से, जहां पर दिल्ली पलिया नेशनल हाईवे के दोनों ओर किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है और लकड़ी और टीन के खोखा हटाने के साथ झोपड़ियों को भी हटाया गया है। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स भी वहां पर मौजूद रही। करीब 30 से 35 अतिक्रमण हटाए गए। अतिक्रमणकारियों को दोबारा अतिक्रमण न करने की हिदायत दी गई है। और बुलंदशहर में रिमझिम बरसात लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। आज अंडरपास के नीचे जल भर गया, दलदल के चलते स्कूल वैन फंस गई। दलदल में फंसी स्कूल की मारुति वैन का वीडियो वायरल हो रहा है। काफी मशक्कत के बाद वैन को बाहर निकाला जा सका। मामला थाना बीबी नगर क्षेत्र के लाडपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर अंडरपास में दलदल होने की वजह से एक स्कूल का वैन फंस गया। हालांकि काफी मशक्कत के बाद वहां से इस वैन को बाहर निकाला जा सका और इस तरह के हालात और कहीं जगह शहर में दिखाई दे रहे हैं। तो अंडरपास के नीचे जलभराव की स्थिति हो गई है, लगातार बारिश हो रही है। बारिश होने से जगह जगह जलभराव की स्थिति है। अंडरपास के नीचे दलदल बहुत ज्यादा हो गया था। जब स्कूल की वैन वहां से गुजर रही थी तो ये वैन दलदल में फंस गई। हालांकि बच्चों को उतार लिया गया और किसी तरह से इस वैन को भी दलदल से बाहर निकाला जा सका।
और संभल में एनएच पर सड़क हादसा हो गया है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने मजदूरों से भरी पिकअप को टक्कर मार दी है। हादसे में 15 मजदूर घायल हो गए हैं। घटना धनारी थाना के गांव उदरनपुर अजमत नगर की है, जहां बदायूं से चंडीगढ़ जा रहे मजदूरों की पिकअप को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने पीछे से टक्कर मार दी। नोएडा अथॉरिटी के अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई। 3000 वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। 15 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। अथॉरिटी के ऑफिसर और पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण को तोड़ा गया। भूमाफियाओं ने जमीन पर बाउंड्री और गेट लगाकर कब्जा किया। सेक्टर 44 सदरपुर में ये बुलडोजर चलाया गया। और शाजापुर में पुलिस ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वालों को अरेस्ट कर लिया। असिस्टेंट अकाउंट पद पर नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों की ठगी का आरोप है। मामला थाना पुवाया इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर मुखबिर की सूचना पर निगोही रोड से आरोपी रतिराम को गिरफ्तार किया गया। दरअसल 10 जनवरी को पीड़ित वेद प्रकाश से असिस्टेंट अकाउंट मास्टर पद पर भर्ती के लिए लाखों की ठगी हुई थी। पुलिस को शातिर की कई दिनों से तलाश थी। शाहजहांपुर पुलिस को जिला बदर अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। डीएम के आदेश पर गुंडा एक्ट के तहत आरोपी को जिला बदर किया गया था। इन सब के बावजूद अपराधी चोरी छिपे शाहजहांपुर पुलिस जिले में छिपकर रह रहा था। पुलिस ने चेकिंग के दौरान उसे गिरफ्तार किया। थाना रोजा पुलिस ने चेकिंग के दौरान जिला बदर अपराधी शिवनंदन को गिरफ्तार किया। शिवनंदन पर विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। पीलीभीत में खुदाई के दौरान मस्जिद की दीवार अचानक से गिर गई। इसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने थाना बरखेड़ा को शिकायती पत्र दिया। उन्होंने बताया कि ठेकेदार को पहले ही बताया गया था कि यहां पानी की वजह से मिट्टी गीली है, लिहाजा यहां का काम कुछ वक्त बाद कराया जाए। अब लोगों ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामला थाना बरखेड़ा कस्बे का है, जहाँ सड़क का काम चल रहा है, खुदाई की जा रही थी और खुदाई के दौरान मस्जिद की दीवार ढह गई। प्रयागराज से खबर, जहां पर प्रयागघाट रेलवे लाइन के बगल में नाला सफाई के दौरान सफाईकर्मी को एक हैंड ग्रेनेड मिला। हालांकि वो इसे पहचान नहीं सका, लोहे का कबाड़ समझकर अपने साथ घर ले आया। हैंड ग्रेनेड को देखकर लोग सख्ते में आ गए। आनंद फानन में जॉर्जटाउन थाना पुलिस को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंचे बम निरोधक दस्ते ने सफाईकर्मी से हैंड ग्रेनेड अपने कब्जे में लिया, साथ ही आसपास के घरों को खाली कराया। टीम ने गड्ढा खुदाकर उसे डिफ्यूज करने की कार्रवाई भी की। और आगरा में एक रिटायर्ड फौजी ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक का नाम धीरेन्द्र शास्त्री है, जो कानपुर के रहने वाले हैं। रिटायरमेंट के बाद वे आगरा के मलपुरा क्षेत्र के ककुआ में रह रहे थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रखी है। जो कि सेना से रिटायर्ड हैं, 2018 में रिटायर हो गए, मनोहर धाम कॉलोनी ककुआ चौकी के पास रहते हैं। इन्होंने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार ली है। इस पर तत्काल थाना प्रभारी और मैं फोर्स के यहाँ से पहुँचे और इनको तत्काल एसएन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर इनकी डेथ हो गई है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।